प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद बताते हुए योगी आदित्यनाथ जी, आप देख सकते हैं कैमरे में यहाँ पे दोनों की चर्चा हो रही है, करा रहे हैं, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी यहाँ पे पहुँच चुकी है लता मंगेशकर चौराहे पे, और अब लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ के मुआयना करेंगे। लता मंगेशकर जो चौक बनाया गया है, इतनी बड़ी वीणा बनाई गई है, तो देखते हैं प्रधानमंत्री अब उतरते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी सुरक्षा यहाँ पे चाक चौबंद बंदोबस्त कर दी है, उनका काफिला भी अभी यहाँ पे पहुँचा है, और अब प्रधानमंत्री धीरे धीरे अब किसी भी समय अब कार से निकलते नजर आ सकते हैं। तमाम जो यहाँ पे अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी अब पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और तमाम यहाँ पे अयोध्या के वासी हैं, वो हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं जनता का। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हुए और जो लता मंगेशकर चौक है, अब उस पर प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं और प्रधानमंत्री पूरे चारों तरफ मुआयना कर रहे हैं, और यहाँ से हाथ हिलाते हुए पूरी अयोध्या की जनता का अभिवादन कर रहे हैं। देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, ठीक उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने अनेक परियोजनाओं का यहाँ पे अयोध्या की जनता को समर्पित किया। उसमें महर्षि वाल्मीकि का नया एयरपोर्ट भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है, और अभी अभी वो लता मंगेशकर चौराहे पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ जायजा ले रहे हैं विकास का, जो यहाँ पे सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं और जो ये नया नया चौराहा यहाँ पे निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब ऐसा लग रहा है वाराणसी के बाद अब अयोध्या पर ध्यान देते हुए यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विकास का जायजा ले रहे हैं। जिस तरीके से इतनी बड़ी वीणा को बनाया गया है, और कल यहीं पे योगी आदित्यनाथ जी आप सामने देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जी बाहर गेट पे खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर मुआयना कर रहे हैं। जिस तरीके से कल यहीं पर इसको सेल्फी पॉइंट के तौर पे सजाया गया है, जिस तरीके से कल यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी भी सेल्फी ले रहे थे, तो उसी को देखते हुए अब प्रधानमंत्री देख सकते हैं पूरा एक चक्कर मार लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और तमाम जो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा खासा समय यहाँ पे बिताते हुए चारों तरफ जो जनता है उनको हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की वहाँ पे शुभारम्भ करेंगे, और यहाँ से अब लता मंगेशकर चौक से अब रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुरक्षा काफिला यहाँ पे भारी तादाद में बताते हुए योगी आदित्यनाथ जी आप देख सकते हैं कैमरे में, यहाँ पे दोनों की चर्चा हो रही है। लगातार जो विकास के कार्य अयोध्या में किए जा रहे हैं उससे लगातार जो अयोध्या है वो अब एक तरीके से तीर्थ नगरी के रूप में स्थापित हो रही है। 22 जनवरी के बाद यहाँ पर जो पर्यटक हैं, बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में यहाँ पर देश ही नहीं बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय जगत के तमाम पर्यटक यहाँ आएंगे। काफ़ी लंबी यहाँ पे चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में, बताते हुए कि किस तरीके से पहले यहाँ पे क्या व्यवस्था हुआ करती थी, और अब बदलाव के बाद क्या क्या यहाँ पे नया बदलाव होने वाला है। यहीं पे नया घाट बनाया गया है सरयू का, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से कुछ ही देर बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ठीक यहाँ पे अभी दोनों बातचीत करते हुए कि किस तरीके से यहाँ पे विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए अब यहाँ से गाड़ी से वो रवाना हो कि महर्षि वाल्मीकि के नए अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट बना है उसका उद्घाटन करेंगे, और कुछ ही देर बाद यहाँ से पीछे उनके गाड़ी में जो कि आदित्यनाथ जी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
का जो आज रोड शो होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक उसकी लगभग 6 बजे से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और अब जाके उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की वो देखने का मौका मिला और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी की ओर आगे बढ़ते हुए और उनका काफिला धीरे धीरे उन्हीं के पीछे चलता हुआ। ठीक आप पीछे देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी भी गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक उन्हीं के पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से रेलवे का उद्घाटन आज होने वाला है, अमृत जो ट्रेन है उसका यहाँ से उद्घाटन होने वाला है जो दरभंगा से अयोध्या होते हुए आनंद विहार तक चलेगी, ठीक उसी का आज ट्रेन का उद्घाटन होने वाला है। और